चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख ग्लेशियर और उनके अस्तित्व पर संकट के बारे में। इससे संबंधित अध्ययन हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण दुनिया के प्रमुख ग्लेशियरों का अस्तित्व मिटने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के अध्ययन के अनुसार 2050 तक येलोस्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क सहित कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। विशेषज्ञों ने बाकी को बचाने के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया है। अध्ययन के बारे में अगर विस्तार से बात की जाए तो यूनेस्को ने 50 विश्व धरोहर स्थलों पर 18,600 ग्लेशियरों का अध्ययन किया है, जिसमें से लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को कवर करने के बाद ये पाया गया है कि एक तिहाई जगहों से ग्लेशियरों के गायब होने के आसार हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर ग्लेशियरों में से लगभग 50% वर्ष 2100 तक लगभग पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। अध्ययन में ये भी पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो तापमान बढ़ा रहा है, जिसके कारण सन 2000 से ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं। यूनेस्को ने बताया कि ग्लेशियरों से हर साल 58 करोड़ टन बर्फ का नुकसान हो रहा है, जो फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के द्वारा साल भर में उपयोग किए गए पानी के बराबर है। यह लगभग 5% वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। अध्ययन में कहा गया है कि 50 विश्व धरोहर स्थलों में से एक तिहाई में ग्लेशियर 2050 तक गायब हो जाएंगे। तापमान में हो रही वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों के बावजूद भी ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन यदि पूर्व औद्योगिक अवधि की तुलना में तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है तो शेष दो तिहाई स्थलों में ग्लेशियरों को बचाना अभी भी संभव है। यह एक चिंता का विषय है। यूनेस्को के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि अफ्रीका में सभी विश्व धरोहर स्थलों से 2050 तक ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, जिसमें किलिमंजारो नेशनल पार्क और माउंट केन्या शामिल हैं। यूरोप में पायरेनीज और डोलोमाइट्स में से कुछ ग्लेशियर भी शायद 3 दशकों की अवधि के दौरान गायब हो जाएंगे। वहीं अमेरिका में येलोस्टोन और योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यानों के ग्लेशियरों का भी यही हाल होने की आशंका है। इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि तापमान को एक स्तर पे रखा जा सके। पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देशों ने पूर्व औद्योगिक स्तरों से बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का संकल्प लिया था। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो अब दुनिया भर में उत्सर्जन को देखते हुए कठिन लगता है। केवल हमारे CO2 उत्सर्जन के स्तर में तेजी से कमी करने से ग्लेशियरों और उन पर निर्भर असाधारण जैव विविधता को बचाया जा सकता है। दुनिया भर में प्रमुख ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी है, जो कि हमें करना होगा। इस मुद्दे के समाधान खोजने में मदद करने के लिए COP27 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो अभी होने वाला है। COP27 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित होना है। इसका उद्देश्य जलवायु आपदा की ओर ध्यान आकर्षित करना और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बढ़ते वैश्विक तापमान, बेमौसम बाढ़ और सूखा, पानी की कमी, पैदावार में गिरावट, खाद्य असुरक्षा और जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण और बढ़ती गरीबी तथा विस्थापन से जूझती दुनिया एकजुट होकर मानवता की रक्षा के निमित्त धरती की सुरक्षा के लिए एकजुटता दिखाएगी। इसी उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.